यार आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ओप्पो के कौन कौन से स्मार्टफोन में कौन सी डेट को कलर ओएफ 13 का बीटा या फिर ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ओप्पो के जो भी 5G स्मार्टफोन हैं उनमें हमें एक न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है, उस अपडेट के साथ में हमें 5G का कौन सा सर्विस इनेबल किया जाएगा। साथ ही साथ ओप्पो या फिर रियलमी के कुछ स्मार्टफोन में हमें एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट भी प्रोवाइड हो रहा है, जो कि एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है। उस अपडेट के साथ में हमें क्या कुछ कैफे देखने को मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के साथ में। फोयर हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फोन में 5G नेटवर्क फंक्शन का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। अब यार यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में, फिर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना होगा, फिर आपको यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट पे टैप करना होगा। यहाँ पे मे बी आपके फोन में तुरंत से एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे फोन में 23 MB के साथ में एक न्यू अपडेट देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट फ्रॉम गूगल, मतलब आपके फोन में गूगल की तरफ से एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड हो रहा है, एंड ये अपडेट हमारे फोन में 23 MB के साथ में प्रोवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टाइप करना होगा। आफ्टर टैप ऑन डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड ये अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सिंपल सा आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये बहुत जल्दी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि 23 MB के साथ में आता है। अगर हम बात करें दूसरे फीचर के बारे में, बट यार उसके पहले आप यहाँ पे डाउनलोड अपडेट के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टाइलिंग अपडेट के बारे में शो हो रहा है, बट यार यहाँ पे हमारे फ़ोन में ये अपडेट फुल इंस्टॉल करने के लिए हमारे फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। आफ्टर टैप ऑन रीस्टार्ट माई फ़ोन फिर से स्टार्ट होगा एंड हमारे फ़ोन में ये अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अगर हम बात करें 5G नेटवर्क के बारे में, तो यार रिसेंटली में मेरे फ़ोन में एक न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है, एंड फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ रियलमी GT मास्टर एडिशन, एंड ये भी फ़ोन एक 5G स्मार्टफोन है। तो सिंपल सा यहाँ पे हमारे फ़ोन में रियलमी UI 3.0 रन कर रहा है, मतलब आप यहाँ पे कलर OS 12 समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में एक न्यू अपडेट देखने को मिला है, जहाँ पे हमें अगस्त एंड सितंबर 2022 का न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला। साथ ही साथ यहाँ पे जियो की तरफ 5G की जो नेटवर्क सर्विस होती है वो इनेबल कर दी गई है। मतलब आपको पता होगा इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, एंड जियो की तरफ से जब भी हमारे एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा तो हमारा फ़ोन डायरेक्टली 5G को सपोर्ट करेगा। तो भाई आपके फ़ोन में ये अपडेट मिला या फिर नहीं मिला, आपका ओप्पो या फिर रियलमी का स्मार्टफोन हो सकता है, मे बी अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट नहीं मिला, अगर आपका एक 5G स्मार्टफोन है तो आपके फ़ोन में बहुत जल्दी ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हमारे फ़ोन में 5G 4G 3G एंड 2G ऑटो मोड पे ही ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हमारे फोन में जब भी 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा, हमारे एरिया में जब भी 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा, तो हमारा फ़ोन डायरेक्टली 5G को सपोर्ट करने लगेगा। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे फीचर के बारे में, तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कलर OF 13 अपडेट के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग कलर OF 13 अपडेट का वेट कर रहे हैं, एंड वेट करना भी चाहिए। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2022 को ओप्पो रेनो 8 5G डिवाइस एंड ओप्पो K10 5G डिवाइस में। हम बात करें इंडियन वर्जन के बारे में, तो इस डिवाइस में हमें कलर OF 13 के साथ में एंड्रॉयड 13 का बीटा वर्जन देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आप डेट के साथ में चेकआउट कर सकते हैं। बट हम बात करें अगर मेजर बिट के बारे में, तो भाई देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्म भी फिलअप करना होगा, जो कि एक बीटा फॉर्म होता है, एंड उनके लिए एक टर्म एंड कंडीशन भी होता है, उसको आपको रीड करके फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड वहाँ पे आप अपने फ़ोन का फ़ोन नंबर या फिर मेल आईडी को फिलअप कर सकते हैं। सिंपल आपको अपने फ़ोन के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में ये फॉर्म देखने को मिलेगा, लेकिन आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा। वहाँ पे टैप करने के बाद आपको कलर OS 13 का अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को फिलअप वगैरह कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे ऑनगोइंग पे ओप्पो फाइंड X5 प्रो एंड ओप्पो फाइंड X5 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल रहा है, तो आपके फ़ोन में अगर ऑफिशियल वर्जन नहीं मिला, अगर आपका फ़ोन ओप्पो फाइंड X5 प्रो या फिर X5 है, तो आपके फ़ोन में H5 कलर OF 13 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ आपका रिप्लाई जरूर से दूंगा।
एंड यार यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक कम्युनिटी है समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको कोई सा भी इश्यू है तो आप यहाँ पे मैसेज करिए, कोई ना कोई यूजर आपको रिप्लाई जरूर से देगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। या फिर जो भी यूजर, आप मान लीजिए किसी भी फ़ोन का यूजर है, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे कलर OF 13 का अपडेट या फिर कोई सा भी अपडेट पाता है तो यहाँ पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा। उसी के साथ ही साथ यार यहाँ पे जो भी लोग वेट कर रहे हैं एंड्रॉयड 13 का, अब यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कि 5G कैपेबिलिटी क्या है एंड 5G एंड्रॉइड 11 के साथ में प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। आपको एक चीज बताना है, हार्डवेयर जो होता है मतलब ओप्पो या फिर रियलमी या फिर कोई सा भी स्मार्टफोन हो गया, अब यहाँ पे जो भी 5G सपोर्टेड हैं वो फोन की तरफ नहीं होता है, वो प्रोसेसर में होते हैं। आपका फोन एक्जिनोज का है या फिर स्नैपड्रैगन का है, वो आपके फोन में कैसे सपोर्ट करता है, उसमें 5G प्रोसेसर में इनेबल है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 5G डिटेक्ट में। एंड यहाँ पे 5G कनेक्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई 5G का जो सर्विस है हम एंड्रॉयड 11 के साथ में प्रोवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप इनका पैराग्राफ पढ़ सकते हैं एंड आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यार यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम बात नहीं कर सकते। उसी के साथ ही साथ एंड्रॉयड 13 के बारे में बात करें तो भाई एंड्रॉयड 13 का अपडेट धीरे धीरे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है एंड आपको 2023 के मिड तक सारे के सारे स्मार्टफोन में कलर OF 13 के साथ में एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ ही साथ हमें काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि भाई आप वीडियो इतना डिले क्यों करते हो, तो यार मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ एंड वीडियो थोड़ा सा लेट आती है, बट मैं आशा करता हूँ वो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एंड यार उसी के साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूजर नेम है छोटू भाऊ एंड आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी कुछ दिखाया, अब साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं भाई बैटरी ड्रेनिंग रिलेटेड हमें काफ़ी सारे इश्यू देखने को मिल रहे हैं एंड हमें भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हम काफ़ी सारे ऐसे फीचर यूज करते हैं जो हमें यूज नहीं करना चाहिए। भाई आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारे एरिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो हम 5G नेटवर्क को टर्न ऑफ करके रखें, क्योंकि 5G अगर नेटवर्क हम एक्सेस करेंगे मतलब इसको इनेबल करके रखेंगे तो ये हमारी बैटरी कंजप्शन ज्यादा करेगा, सिंपल सी बात है। फतीफात हम डार्क मोड यूज कर सकते हैं, डार्क मोड में बैटरी कम इस्तेमाल होती है एंड कुछ ऐसे हैवी एप्स होते हैं जो हमारी बैटरी को ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी बैटरी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने फ़ोन के रेफरेंस रेट को, अगर आपका 120Hz के साथ में आपका डिस्प्ले आता है तो आप उसे 60Hz के साथ में यूज कर सकते हैं, उसमें आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेफ होगी। अब यहाँ पे भाई आप हर एक चीज़ फास्ट यूज करेंगे तो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा, वो आपको पता होगा। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे फीचर के बारे में, तो भाई फ़ोन में हमें काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, बट यार अपने फ़ोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ में अपडेट करने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि भाई हमारा फ़ोन सिक्योर रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम पे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में काफ़ी सारे मालवेयर या फिर काफ़ी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो हमारे फ़ोन के डाटा को चोरी करते रहते हैं, तो सिंपल सा हमें अपने फ़ोन को लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट करना चाहिए एंड ये गूगल की तरफ ऑफिशियली प्रोवाइड होता है, ना कोई थर्ड पार्टी की तरफ से। ऑफिशियल जो अपडेट्स होते हैं उन्हें हमें जरूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए, इससे हमारा फ़ोन सेफ रहेगा। साथ ही साथ हमने अपने विंडोज़ को भी विंडोज 11 के साथ में अपडेट करके रखा है। अब यहाँ पे कोई न्यू अपडेट आ गया है भाई, पता नहीं कौन सा है, हम इसको भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए आपके फ़ोन में अगर या फिर आपके लैपटॉप में कोई सा भी अपडेट देखने को मिलता है वो ऑफिशियली तरीके से प्रोवाइड होता है, फुली चेक होता है, उसमें कोई सा भी रिस्क नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आप बीटा वर्जन अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिएगा, बीटा वर्जन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको थोड़े बहुत बग एंड इश्यू देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली में बात किया कलर OF 13 का बीटा वर्जन होने वाला है, तो अपने रिस्क के हिसाब से अपने फोन में डाउनलोड एंड यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यार हमारी काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करने वाले हैं। एनीवे ये वीडियो आपको कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।